अब हम डिस्कस करते हैं एक और इंपॉर्टेंट ग्लैंड, इस ग्लैंड का नाम है पैराथायराइड। तो पैराथायराइड के डिस्कशन में शुरू करता हूँ स्ट्रेट अवे आपको ये दिखा के कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन की सिक्री की लोकेशन कहाँ पर है। तो ये आपका थायराइड ग्लैंड है, आपको ध्यान है थायराइड के लोब्स हैं, ये इस्थमस है बीच में और ये एंटीरियर टू दी लैरिंग्स है नेक में। अब आप इसका बैक व्यू देख रहे हैं पोस्टीरियर आस्पेक्ट से, डॉर्सल तरफ से देख रहे हैं आप इसको। तो आप ये देख रहे हैं कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स हैव 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। सो हर एक लोब में आप कितने देख रहे हैं, 2। कहाँ पर? डॉर्सल सरफेस या बैक व्यू अगर आप देखें थायराइड का, तो दे आर एम्बेडेड विद इन द सब्सटेंस ऑफ द थायराइड। आप देख रहे हैं इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ये जो दाल का दाना होता है, जो आप पीले रंग की दाल खाते हैं जैसे अरहर की दाल, उसके दाने 4 हैं। तो ये करीब करीब उसी साइज के 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। दे आर यूजुअली 4 इन नंबर एंड दे आर एम्बेडेड विद इन द सब्सटेंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो हमने ये कहा कि ये पोस्टीरियर या बैक्स व्यू देख रहे हैं और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस आपको दिख रहे हैं। अब ये जानिए कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसे हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। हम इसको कहेंगे PTH। ये भी पेप्टाइड हार्मोन है और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब मैं आपको क्या कहते हैं थायराइड पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये हाइपरकैल्सीमिक है। दिस इज़ हाइपरकैल्सीमिक, इसका मतलब इट इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इसका जो एंटागोनिस्ट था वो था थायरोकैल्सीटोनिन। मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इसको। हमने कहा थायरोकैल्सीटोनिन ये भी पेप्टाइड हार्मोन था जो कि सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया था और ये हाइपोकैल्सीमिक था। इसका मतलब ये ब्लड कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, कम करता है, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं और दोनों मिलकर के बॉडी में कैल्शियम होमियोस्टेसिस या रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन योर सीरम और ब्लड, इसको मेंटेन करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। सो आई होप प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। एंडोक्राइन सिस्टम में हम देख चुके हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेकेंड मैसेंजर्स विल बी द कैल्शियम। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड कोएगुलेशन, सब जगह आपने क्या देखा था, कैल्शियम बहुत इन्वॉल्व हो रहा था। इवन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल्स को पकड़ के लाता है। सो ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए आप ये समझ गए कि बॉडी में ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो मैं थोड़ा सा कैल्शियम होमियोस्टेसिस की तरफ आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूँ। सो पहले ये समझिए कि ये कैल्शियम लेवल किस तरह से बॉडी में हमें ज़रूरी है मेंटेन करना। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम ये कह रहे हैं कि कैल्शियम का लेवल आपके सीरम में 9-10 मिलीग्राम परसेंट के बीच में मेंटेन करना है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी नैरो रेंज। ब्लड में आपको 9 मिलीग्राम परसेंट का मतलब हो गया मिलीग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड, और बिटवीन 9 एंड 10 मिलीग्राम परसेंट आपको इस कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना है। अब दूसरी बात ये समझिए कि अगर ये लेवल 9 से कम हो गया, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो। और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हाइपोकैल्सीमिया इंक्रीजेज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, इट इंक्रीजेज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। और न्यूरोन अगर एक्साइट होगा तो वो किसी ना किसी मसल को स्टिमुलेट करेगा, एंड दिस कैन कॉज टिटनी, एंड दिस टिटनी इज मोस्ट कॉमनली सीन इन कार्पोपीडल स्पाज्म। कार्पोपीडल स्पाज्म, हाथ और पैर, मतलब हैंड और फुट पे ये जो स्पाज्म आते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कार्पोपीडल स्पाज्म, वेरी अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ टिटनी। सो प्लीज अंडरस्टैंड हाइपोकैल्सीमिया इज डेंजरस। हाइपोकैल्सीमिया जिसे आपने कहा कि कैल्शियम का लेवल 9 मिलीग्राम परसेंट से कम हो गया है, वो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाएगा, इट विल लीड टू टिटनी। टिटनी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ स्केलेटल मसल वाले चैप्टर में, एंड द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ टिटनी वुड बी कार्पोपीडल स्पाज्म। सो दैट मीन्स हाइपोकैल्सीमिया इज डेंजरस। लेकिन अगर ये कंडीशन 10 मिलीग्राम से ज़्यादा हो गई तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरकैल्सीमिया, एंड हाइपरकैल्सीमिया इज इक्वली डेंजरस। इट कैन कॉज डेथ ड्यू टू
कार्डियक अरेस्ट, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक आयन है कैल्शियम, और इस कैल्शियम को मुझे बहुत नैरो रेंज में मेंटेन करना है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसकी कमी भी ख़राब है और इसका एक्सेस भी ख़राब है। और इसके ऊपर एक प्रॉब्लम और है कि ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम का जो डाइट्री सोर्स है वो मेरे लिए करीब करीब पूरा डाइट्री सोर्स मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स है। तो मैं इस चीज़ की रीएम्फेसाइज करता हूँ, एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा मिनरल जो आपको केवल मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से मिलेगा और बहुत नैरो रेंज में मेंटेन करना है, इसकी कमी भी खतरनाक है, इसका एक्सेस भी खतरनाक है, दोनों में डेथ हो सकती है। तो प्रॉब्लम यह है कि इसको मेंटेन बड़ी क्रिटिकली करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी कमी और एक्सेस अगर किसी वजह से हो गई, रिलायबल सोर्स मेरे पास है नहीं, तो मुझे एक रिलायबल सोर्स इसका बना के रखना पड़ेगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं बड़ी आसानी से वहाँ से क्या ले आऊँ कैल्शियम। अगर मैं मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं भी कर रहा हूँ तो भी बॉडी में कोई ना कोई स्टोर कैल्शियम का ज़रूर होना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू से। और वो जो स्टोर है, वो जो बैंक है, जो कैल्शियम का आपने बना के रखा हुआ है, दैट इज़ अ बोन, दैट इज़ अ बोन। सो हमने बोन में बहुत ज़्यादा क्या डिपॉजिट किया हुआ है, कैल्शियम। इसका मतलब ये है कि अगर आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में स्टोर है किसका, कैल्शियम का। और आपकी बॉडी में जैसे भी जब भी हाइपोकैल्शीमिया होगा तो इस पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से ब्लड से क्या आ जाएगा, कैल्शियम। और आप इस कैल्शियम लेवल को क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। ज़्यादा हो जाए तो इसे जाकर के किस में डिपॉजिट कर देना, बोन में। सो इसका मतलब बिल्कुल एक बैंक की तरह हमने कर दिया, कमी हो गई तो वहाँ से निकाल के ले आए, एक्सेस हो गई तो उस बैंक में मैंने जाकर के क्या कर दिया, जमा कर दिया। और इसीलिए बोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो रिजर्वायर या बैंक है किसका, कैल्शियम का। और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में मेंटेन करने के लिए। सो आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस निटी ग्रिटी, दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिजियोलॉजी हियर। सो अब हम ये देखते हैं कि ये पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है। सो पहली बात ये समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, कि जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, जब आपने पीसीटी पढ़ा था, तो आपने वहाँ पे चीज़ों का एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन देखा था जिसमें आयन्स भी थे। और आयन्स में आपको याद दिलाता हूँ, आपने सोडियम देखा होगा, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, इस तरह के आयन्स को आपने एब्जॉर्ब या रीएब्जॉर्ब किया था। लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये सारे मोनोवलेंट आयन्स हैं, इनके ऊपर Na+, K+, H+, HCO3- Cl-, इनके ऊपर एक चार्ज है। मैंने क्या कहा, ये क्या है, मोनोवलेंट आयन्स हैं। एज अ रूल डाइवलेंट कैटायंस आर नॉट ईजिली एब्जॉर्ब आइदर इन इंटेस्टीन और इन द किडनी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हम अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कैसा है, डाइवलेंट कैटायन है। सो कैल्शियम एक डाइवलेंट कैटायन है, और मैं एज अ रूल आपको ये बता रहा हूँ कि डाइवलेंट कैटायन इंटेस्टीन में या पीसीटी किसके, किडनी के, आसानी से एब्जॉर्ब या रीएब्जॉर्ब नहीं होते। और इनको रीएब्जॉर्ब करने के लिए इन इंटेस्टिनल एपिथीलियम या इस नेफ्रॉन के पार्ट पे एक्ट करना चाहिए विटामिन डी, एक्ट करना चाहिए विटामिन डी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, विटामिन डी की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, तब जाकर के ये चीज़ क्या एब्जॉर्ब कर पाएंगी, कैल्शियम। हालांकि रीनल फिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि थोड़ा सा बात डिफरेंट है, लेकिन एक जनरल बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि बेसिकली खास तौर पे इंटेस्टीन में इंटेस्टिनल एपिथीलियम शुड बी स्टिमुलेटेड बाय विटामिन डी, एंड ओनली देन दीज इंटेस्टिनल एपिथीलियल सेल्स विल बी एबल टू एब्जॉर्ब व्हाट, कैल्शियम। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। और फिर इस कैल्शियम को ले जा करके आप चाहे हड्डी मजबूत करिए, चाहे दांत मजबूत करिए, तो एक्चुअली विटामिन डी का फंक्शन सीधा हड्डी या दांत मजबूत करना नहीं है, वो इंटेस्टिनल एपिथीलियम या टिब्यूल के एपिथीलियम पे एक्ट करके उनसे क्या एब्जॉर्ब कराता है, कैल्शियम। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी को कॉन्स्टिपेशन है, तो आप लैक्सेटिव दे रहे हैं, तो उस लैक्सेटिव में मैग्नीशियम आयन होता है। सो मैग्नीशियम जो होता है या एलुमिनियम आयन होता है, ये वो है जो कि आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होंगे आपके इंटेस्टीन में। सो आपके इंटेस्टीन के अंदर की जो फ्लूड है वो हाइपरटॉनिक हो जाएगी, हाइपरटॉनिक हो जाएगी तो बाहर से पानी आएगा, दैट विल बी मिक्स्ड विद द फीसीज, उसका मास इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू डिफिकेशन। दैट इज द रैशनल ऑफ यूजिंग दीज मल्टीवलेंट आयन्स इन द लैक्सेटिव्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो ये मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस कैल्शियम के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, विटामिन डी। और मुझे एग्जैक्टली ये भी समझ में आ गया कि इस विटामिन, जिसे हम विटामिन डी कह रहे हैं, उसका आपकी बॉडी में एक्चुअली
एक्चुअली फंक्शन क्या है। अब आप ये जानते हैं कि ये विटामिन डी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जानते हैं धूप में एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए। आप जानते हैं आजकल जो इंडोर लाइफस्टाइल हो रही है, बहुत बच्चों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इवन एडल्ट्स को क्या मिलती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। और एक ये जो मॉडर्न मेडिसिन की हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स आर एसोसिएटिंग सो मेनी थिंग्स लाइक क्रोनिक कफ एट्सेट्रा विद द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी। और इस विटामिन डी की प्रॉब्लम यह है कि बच्चे आजकल आउटडोर खेलते नहीं है, घर के अंदर ही आजकल इतनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें अवेलेबल हैं, सो दे आर नॉट प्रॉपरली एक्सपोज टू सनलाइट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली द जनरल पॉपुलेशन इज गेटिंग अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड दैट इज एसोसिएटेड विद वेरियस डिसऑर्डर्स। सो हमारी स्किन में कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन डी में। और ये कंपाउंड है 7-dehydroxycholesterol, इसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वो बन जाता है 25-hydroxycholecalciferol जिसे हम कहते हैं विटामिन डी। सो मैं एक फ्लो चार्ट आपको दिखाता हूँ कि हाउ दिस हैपन्स, बॉडी कैसे विटामिन डी बनाती है। सो बॉडी क्या बना सकती है, विटामिन डी, हम सब बचपन से जानते हैं कि ये वो विटामिन है जो आपकी स्किन में सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है। होता क्या है कि स्किन में आपके पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आपने क्या कहा है 7-dehydroxycholesterol या 7-dehydrocholesterol, इसके ऊपर जब क्या पड़ा है स्किन, तो स्किन में 25-hydroxycholecalciferol बन गया है। ये इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन डी थ्री का, विटामिन डी थ्री आपकी बॉडी में सबसे कॉमन फॉर्म है विटामिन का, और किडनी में ये जाकर के कन्वर्ट हो जाता है 125-dehydroxycholecalciferol, और ये 125-dehydroxycholecalciferol इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री। सो आपको मैं ये अब फ्लो चार्ट यहाँ बनाता हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि आपके स्किन में एक कंपाउंड है जिसे आपने कहा है 7-dehydrocholesterol या dehydroxycholesterol, और ये ऑब्वियसली आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव है, तभी मैं इसको 7-dehydrocholesterol कह रहा हूँ। इस कंपाउंड के ऊपर जब क्या गिरी, सनलाइट गिरी, तो ये कन्वर्ट हो गया लिवर में जाकर के 25-hydroxycholecalciferol में, कोलेकैल्सिफेरॉल, और ये कोलेकैल्सिफेरॉल इज द इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी थ्री। तो दिस कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस इन लिवर, स्किन पे गिरी है सनलाइट, 7-dehydroxycholesterol बाद में जाकर के इसमें कन्वर्ट हो गया 25-hydroxycholecalciferol, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इनएक्टिव फॉर्म है किसका, विटामिन डी थ्री का। अब किडनी में इसका कन्वर्जन हुआ और किडनी में ये कन्वर्ट हुआ 125-dehydroxycholecalciferol में, और ये 125-dehydroxycholecalciferol इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री। सो दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन किडनी, ये कन्वर्जन कहाँ पर हो रहा है, किडनी में। और फिर हम ये देखेंगे कि ये विटामिन डी जाकर के एक्ट करेगा किसके ऊपर, इंटेस्टिनल एपिथीलियम के ऊपर, और इंटेस्टिनल एपिथीलियम के ऊपर एक्ट करके और PCT DCT मतलब टिब्यूल के पार्ट्स के ऊपर, और वहाँ पर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस विटामिन डी को किडनी हार्मोन भी कह सकते हैं, किडनी हार्मोन भी कह सकते हैं। इसकी वजह से अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं कि ये किस पे एक्ट करा है, इंटेस्टिनल एपिथीलियम पे। इंटेस्टिनल एपिथीलियम ने अब क्या एब्जॉर्ब कर लिया है, कैल्शियम। कैल्शियम एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचा दिया गया है, ब्लड में, और ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी। और इस ब्लड कैल्शियम को आप जाकर के डिपॉजिट किस पे कर देंगे, ब्लड पे या बोन पे या टीथ में, वो बात दूसरी है। सो ये बेसिकली फ्लो चार्ट हमें समझ में आ गया। अब हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ा क्या रहे हैं, तो बेसिकली हमें देखना ये है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। सो पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट्स दिस। सो पहला फंक्शन तो ये समझ लीजिए कि पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ 25-hydroxycholecalciferol इनटू 125-dehydroxycholecalciferol, दैट मींस कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव D3 टू एक्टिव D3, दैट इज हैपनिंग इन द किडनी। सो किडनी में पैराथायराइड हार्मोन का ये काम है। तो जब भी पैराथायराइड हार्मोन आएगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हुआ, बॉडी क्या करेगी, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करेगी। आप जानते हैं पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है, दिस विल बी अ नेगेटिव फीडबैक थिंग। और हम ये कह रहे हैं कैल्शियम कम हुआ, पैराथायराइड हार्मोन आया, पैराथायराइड हार्मोन ने एक काम तो ये किया कि जो इनएक्टिव विटामिन डी था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया,
एक्टिव विटामिन डी में कर दिया ताकि आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम करें तो उसमें जो कैल्शियम है वो आसानी से क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, ताकि उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाया जा सके, ब्लड में, और ब्लड के कैल्शियम लेवल को क्या करें, इंक्रीज़ करें। लेकिन ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अभी इमीडिएटली तो हो सकता है कैल्शियम लेवल इसको रेगुलेट ना कर पाए कैल्शियम लेवल को, क्योंकि हो सकता है आपके इंटेस्टाइन में अभी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट ना हो। सो पैराथायरॉयड हार्मोन का एक और फंक्शन है, इधर देखिए, बोन में जो कैल्शियम डिपॉजिटिंग सेल्स अलग होते हैं और कैल्शियम को रिमूव करने वाले सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। सो बोन में दो तरह के सेल्स हो गए, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम यह है कि वो बोन की रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, मतलब यह है कि वो बोन में से क्या बाहर निकाल लेते हैं, कैल्शियम निकाल लेते हैं। और पैराथायरॉयड हार्मोन का दूसरा फंक्शन यह है कि इट इंक्रीजेज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, अब आप समझ सकते हैं कि अगर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो क्या चीज़ रिमूव हो जाएगा, कैल्शियम इज रिमूव्ड फ्रॉम बोन, एंड व्हेन द कैल्शियम इज रिमूव्ड फ्रॉम द बोन इट इज टेकन टू द ब्लड, एंड ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग लुक एट आइदर वे, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम एंड देयरफॉर एप्रोप्रिएटली इज कॉल्ड एज एन हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। सो ये बात आपको समझ में आ गई है कि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कर रहा है। सो बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन के दो फंक्शंस आपको समझ में आ गए। नंबर वन, एक तो ये किस पे एक्ट करा, किडनी पर, और इसने किडनी पर क्या किया, एक्टिवेट कर दिया किसको, इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में, और फिर ये जाकर के एपिथीलियम पे एक्ट किया। और आगे हम देखेंगे कि विटामिन डी से मीडिएट करके क्या क्या एक्शन हम एट्रीब्यूट करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन को। नंबर टू, इमीडिएटली उसने क्या किया है, इंक्रीज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कर दी है जिससे कैल्शियम रिमूव हो गया है बोन से, और इसको रिमूव करके आपने कहाँ पहुँचा दिया है, ब्लड में, और ब्लड में कैल्शियम लेवल को आपने क्या कर दिया है, इंक्रीज। दोनों वजह से इट विल कॉज हाइपरकैल्शीमिया, सो अब पैराथायरॉयड हार्मोन के हम फंक्शंस को दोबारा देखते हैं। हम ये देखते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है पैराथायरॉयड हार्मोन के। ये फंक्शंस कुछ मीडिएट किससे कर रहा होगा, वो विटामिन डी से कर रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा इधर, पहली चीज, पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट करता है किसको, कैल्शियम लेवल को। और कैल्शियम लेवल में इसका मतलब ये हुआ कि पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रेजेंस में विटामिन डी बनेगा, और ये विटामिन डी किस पे एक्ट करेगा, इंटेस्टिनल एपिथीलियम पे एक्ट करेगा, और इंटेस्टिनल एपिथीलियम इस कैल्शियम को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और इस कैल्शियम को किस में बढ़ाएंगे, ब्लड में पहुँचाएंगे ब्लड में, और ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक तो फंक्शन हम ये बार बार देख चुके हैं, ये किसका है, पैराथायरॉयड हार्मोन का, लेकिन मीडिएट किसके थ्रू हो रहा है, विटामिन डी के थ्रू। नंबर टू, ये जाकर के एक्ट कर रहा है किसके ऊपर, अब इधर देखिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, फिर नेफ्रॉन से क्या करना है, इसको रीअब्जॉर्ब करना है, और नेफ्रॉन से जब ये रीअब्जॉर्ब करता है तो पीसीटी पे इसका उतना ज्यादा असर नहीं है, पीसीटी अपना आसानी से क्या कर सकता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन अगर मैं डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की बात करूं, सो कैल्शियम करीब करीब पूरे नेफ्रॉन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, केवल थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले को छोड़ दीजिए। सो कैल्शियम जो फिल्टर हो जाता है कि इसमें ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेट में, वो पूरे के पूरे नेफ्रॉन में क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, केवल आप किस पार्ट को छोड़ सकते हैं, थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले को छोड़ सकते हैं, बाकी सारे पार्ट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं कैल्शियम, पीसीटी को जरूरत नहीं है, पीटीएच और विटामिन डी की। लेकिन जो बाकी पार्ट हैं, खासतौर पर कौन से, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ से कैल्शियम को आपने रीअब्जॉर्ब अगर करना है तो आपको विटामिन डी एंड हेंस क्या चाहिए, पैराथायरॉयड हार्मोन चाहिए। सो पैराथायरॉयड हार्मोन का पहला रोल तो हो गया किसके रेगुलेशन में, कैल्शियम के। दूसरा आप देखिए फॉस्फेट, सो इट इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ द फॉस्फेट सिक्रीशन एज वेल। सो ये जो फॉस्फेट है, ये बेसिकली आप ये समझिए कि ये पीसीटी में इसकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है, एब्जॉर्प्शन इन डिक्रीज्ड इन पीसीटी, नेफ्रॉन में ये फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअली बॉडी में फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को क्या करता है, कम, लेकिन इंटेस्टीन से इस फॉस्फेट को क्या कराता है, एब्जॉर्ब कराता है। सो बेसिकली इंटेस्टीन और किडनी ट्यूब्यूल्स पे इसका अलग अलग असर है। आपने ये कहा कि नेफ्रॉन में ये बेसिकली फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है तो वो यूरिन में पास हो जाएगा, तो बॉडी में फॉस्फेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी,
भी कम हो जाएगी. सो आई होप वी हैव अंडरस्टूड द फंक्शंस ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन. सो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया है कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसके बेसिक फंक्शंस क्या है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रहा है कैल्शियम और फॉस्फेट होम्योस्टेसिस में. अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इसकी एबनॉर्मैलिटीज पे. एबनॉर्मैलिटीज ऑफ सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन. So please understand, obviously there will be a hyposecretion and there will be a hypersecretion. एक hyposecretion हो सकता है, एक hypersecretion हो सकता है. Hyposecretion आप समझ सकते हैं blood में calcium का level क्या होगा, कम हो जाएगा and this will cause tetany. इतनी बात हम बार बार दोबारा इसको डिटेल में नहीं करेंगे. आपको पता है हाइपोपैराथायरायडिज्म में जिसमें पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन नॉर्मल से क्या है, कम है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी क्या कर सकती है, इंक्रीज, मसल स्पाज्म हो सकता है, जिसे आपने क्या कहा, टेटनी का. हम बात करते हैं हाइपरथायरायडिज्म की. हाइपरथायरायडिज्म में होगा ये कि बोन से आप ज़्यादा कैल्शियम निकाल लेंगे तो बोन में इंजरी हो जाएगी और इंजरी हो जाएगी तो बोन क्या हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी. इसीलिए इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर ऑस्टियाइटिस. हाइपर ऑस्टियाइटिस, आइटिस का मतलब होता है इंफ्लेमेशन. तो बोन पे इंजरी ज्यादा हो गई, ज्यादा आपने कैल्शियम निकाल लिया तो बेसिकली हुआ यह है कि हाइपर ऑस्टियाइटिस मतलब हाइपर पैराथायरायडिज्म में ऑस्टियाइटिस. ऑस्टियाइटिस मतलब इंफ्लेमेशन ऑफ द बोन. और उसके बाद में यहां पर फ्लूड भरेगा, इसीलिए यहां पर हम इसमें यहां पर सिस्टिक स्वेलिंग्स देखेंगे बोन में. बोन वीक हो जाएंगी और बाद में इन सिस्टिक स्वेलिंग को भरने के लिए फाइब्रस टिश्यू इसमें क्या होगा, डिपॉजिट होगा. सो बेसिकली इंजरी हील्स बाय फाइब्रोसिस. सो हमने कहा कि बोन इंजर्ड हुई है जिसकी वजह से ऑस्टियाइटिस हुई है और बाद में डिपोजिशन हुआ है किसका, फाइब्रस टिश्यू का, और सिस्टिक स्वेलिंग्स बनी है. तो इस बीमारी को हम कहते हैं हाइपर ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका. बोन क्या हुई है, इन्फ्लेम्ड हुई है, वीक हुई है, उसमें सिस्टिक स्वेलिंग है और फाइब्रस टिश्यू का क्या हुआ है, डिपोजिशन हुआ है. इस कंडीशन को मैं कह रहा हूं हाइपर पैराथायरायडिज्म. दिस लीड्स टू हाइपर ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा फाइब्रोजा सिस्टिका. इस कंडीशन को हमने क्या कहा है, हाइपर ऑस्टियाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका. अब इस हार्मोन को ख़त्म करते हुए मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ. अगर आप जानते हैं एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं रिकेट्स, ये बच्चों में होती है विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से. सो हम ये देख रहे हैं कि वो क्या तरीका है जिससे कुछ बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है. और रिकेट्स में बेसिकली इट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन. आई होप यू रिमेंबर द काउंटर पार्ट इन एडल्ट्स इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेशिया. लेकिन हमारा मकसद अभी ऑस्टियोमलेशिया को बिल्कुल भी डिस्कस करना नहीं है और दोनों की पैथोजेनेसिस बिल्कुल एक जैसी नहीं है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड आई एम जस्ट टेलिंग यू टुडे ओनली द रिकेट्स. तो इधर देखिए, मान लीजिए अ चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज टू सन. अ चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज टू सन. सो यू कैन अंडरस्टैंड 7-dehydrocholesterol विल नॉट बी कन्वर्टेड इन टू 25-hydroxycholecalciferol. इतनी बात आपको समझ में आ गई है. हमें यह समझ में आ गया है कि अगर एक बच्चा सन को एक्सपोज नहीं हुआ तो अभी जो मैंने फ्लो चार्ट आपको देखा था उसमें यह बताया था कि 7-dehydroxycholesterol किस में कन्वर्ट होता है, विटामिन डी में. यह कन्वर्जन नहीं हो पाएगा. अब ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा तो अगर बच्चे को आप बढ़िया से बढ़िया मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट भी दे रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कैल्शियम क्या नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि दिस लैक ऑफ विटामिन डी, लैक ऑफ विटामिन डी विल कॉज हाइपोकैल्सीमिया, विल कॉज हाइपोकैल्सीमिया. ये बात तो तय हो गई कि अगर विटामिन डी नहीं है तो इंटेस्टीन, इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इन द इंटेस्टीन, विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम एंड हेंस द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लाइकली टू गो डाउन. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोकैल्सीमिया. अब इस हाइपोकैल्सीमिया की वजह से समझिए कि आप जानते हैं नेगेटिव फीडबैक से बॉडी में किसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन. बॉडी एकदम क्या रिलीज करेगी, पैराथायराइड हार्मोन. इस पैराथायराइड हार्मोन के दो फंक्शन थे. एक तो फंक्शन ये था कि 25-hydroxycholecalciferol को 125-dihydroxycholecalciferol में कन्वर्ट करे. ये काम नहीं हो पाएगा. ये बात तो तय हो गई, क्योंकि आपको पता है कि ये ही काम नहीं हुआ. तो जब यही नहीं है तो ये इसमें कन्वर्ट कैसे होगा. तो प्रॉब्लम ये है कि ये पैराथायराइड हार्मोन ये काम नहीं कर पाएगा. लेकिन हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट को मैनेज करने का उसके पास दूसरा तरीका यह है कि वो क्या बढ़ा देगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से बोन से आप क्या ले आएंगे, कैल्शियम आप कहां पर ले आएंगे, ब्लड में.
बोन से कैल्शियम आप किस में ले आए, ब्लड में ले आए। तो इसका मतलब जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन जब रिलीज हुआ, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया, इसके दो फंक्शन थे, एक हो नहीं पा रहा है, दूसरा हो रहा है, और आप बोन से क्या निकाल रहे हैं, कैल्शियम, और वो कैल्शियम से आप ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक बन गया। नॉर्मली अब आप कैल्शियम दोबारा जाकर डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए विटामिन डी चाहिए था, जो विटामिन डी नहीं है। इसीलिए इस बच्चे की बोन धीरे 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 कैल्शियम लूज करेगी, और आप अगर एक्सरे देखेंगे तो बोन उतना आपको व्हाइटिश चमक वाली नहीं दिखेगी। हम कहते हैं कि बोन्स आर रेरिफाइड एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रिकेट्स, एंड दिस इज हाउ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन एक्चुअली कॉज रिकेट्स इन चाइल्डहुड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड पैराथायरॉयड हार्मोन, यू हैव अंडरस्टूड इट्स इंटरप्ले विद विटामिन डी, यू हैव अंडरस्टूड द वेरियस एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द सिक्रीशंस ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन एंड द पैथोजेनेसिस ऑफ द रिकेट्स। सो व्हेन वी कम बैक वी विल लुक एट अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। थैंक यू।